राड विकार जन समिति का सातवां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चपलोड़ी चैलुसैन इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर जन समूह उमड़ पड़ा है और राड जन विकास समिति के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है 1 और 2 जून को 2019 में। लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, समिति के सदस्य रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, महिलाएं सदस्य समिति के। काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर में। सारे समिति का रजिस्ट्रेशन महिलाओं को ये छड़ी भी दी जा रही है, उनको निःशुल्क छड़ी प्रदान की जा रही है, चश्मे दिए जा रहे हैं, दवाई वितरण किया जा रहा है यहाँ पर, सभी प्रकार की दवाई। दवाइयों का वितरण सचिव श्री कुलानंद गंसाला जी, तो उनसे इस कैंप के बारे में जरा जानकारी ले लें कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे है। श्री गंसाला जी, जी हाँ, ये कैंप जो है हम लोग देहरादून से लेके आए थे राड जन विकास समिति के माध्यम से, और यहाँ पे पहले जून को और 2 जून को बहुत उत्साहपूर्वक, जैसे कहते हैं आप देख रहे होंगे भीड़, हाँ जी भीड़ चल रही है, इससे लग रहा है कि हाँ वाकई में लोगों को जरूरत है। हमने प्रयास किया है
कैंप के माध्यम से हम लोगों को जैसे दृष्टि विद्युत जो लोग चश्मे दिए जाएं, उनको स्टिक दिए छड़ियाँ दी जाएं, उनको दवाइयाँ वितरित की जाएं, उनको बहुत सारे ऐसे उपकरण दिए जाएं जिससे ये लोग उनको फायदा मिल सके। और मैं समझता हूँ बहुत सफल कैंप ये है। और कल भी जिस तरह से 700 लोगों को हमने देखा है, लोगों को मरीज हमारे पंजीकरण था। और उसके बाद ये हुआ कि शाम को जिस प्रकार लोगों ने यहाँ पे उत्साह दिखाया और आज जो यहाँ पे बैठक लोगों के साथ में हुई, लोगों के विचार है कि हम इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने समिति की बड़ी प्रशंसा की है कि समिति बहुत सारा कार्य ऐसा कर रही है जिससे सभी लोगों को फायदा मिल रहा है। तो क्या क्या उपकरण दिए हैं आपने यहाँ पे? हमने उपकरण यहाँ पे एक तो चश्मे दिए हैं, हाँ जी, फिर हमने हाथ की डंडियाँ दी हैं, हाँ जी हाँ जी, और फिर हमने जो कैलिपर होते हैं वो दिए हैं, हाँ जी, और व्हील चेयर ये हमने दी है। और टेस्ट के मामले में क्या क्या? हाँ, पैथोलॉजी टेस्ट टीम हमारी देहरादून से आ रखी है, उसमें हम लोग ब्लड शुगर, ब्लड टेस्ट, ये सारी व्यवस्था उसमें है। बीपी वगैरह, बीपी भी हो रहा है, शुगर टेस्ट भी हो रहा है, ये चीज़ आ जाती है। फिजिशियन वगैरह तो सब हैं? फिजिशियन हमारे पे 7-8 फिजिशियन थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, और वो फिजिशियन कोई दंत रोग था, कोई हड्डी का था, कोई फिजिशियन है, कोई मतलब इस तरह से पूरी टीम थी हमारे सामने, 10-12 टीम थी। और विकलांगता के सर्टिफिकेट भी कराएंगे सर? जी, हमने कल जो है यहाँ पे पूरे जम्मू की टीम थी, उनके साथ में विकलांगता प्रमाण पत्र दिए गए। लगभग 12 बच्चों को कल विकलांगता सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए गए, जो बेचारे बिल्कुल ही दिव्यांग थे, विकलांग नहीं दिव्यांग थे, उजल उन लोगों को दिव्यांग सर्टिफिकेट दिया। और बहुत ही मतलब उनको आसानी से उनका हो गया, नहीं तो उनको जाने जाने में पौड़ी से बनाना पड़ता था, उसमें एक तो इसका समय और कॉस्ट निःशुल्क उनको बिल्कुल 1 घंटे के अंदर उनकी सर्टिफिकेट मिल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य सत्ता का, बहुत बड़ा सामाजिक पुण्य का काम है। उन लोगों ने बड़ी दुआएं दी, एक तो बिजली जिनकी टांग नहीं थी, बड़ी उसे की जाम में कहाँ जा पा नहीं पा रहा था, मैं पौड़ी नहीं जा पा रहा था, उन्होंने ये इस संबंध में ये कहा कि आप लोगों को बहुत बड़ा प्रयास। तो धन्यवाद घनशाला जी आपका, धन्यवाद जी आपका, और आपका जो मेहनत है जो आप लगे हुए हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैंप में जो है लोग आ रहे हैं यहाँ पे छड़ी लेकर, ये छड़ियाँ मिली हैं इनको। हाँ जी, आपको छड़ी कहाँ से मिली जी? माता जी, छड़ी मिली आपको यहाँ से? अच्छा ठीक, तो दवाई ववाई ली आप लोगों ने यहाँ से? अभी दिखा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, चलो दिखा दिए। नहीं, यहाँ पे दवाई वितरण का लगा हुआ है, लोग लाइन पे लगे हैं दवाई वितरण। माता जी, दवाई मिल गई आपको? मिल गई, अच्छा ठीक है। क्या क्या दवाई मिली, खांसी की भी? अच्छा ठीक, भूले